हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आजकल पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको टाइटल नजर आ रहा है कि ये 7 चीजें गूगल पे आप कभी सर्च ना करें, वरना हो सकता है जिंदगी भर पछताना पड़े। यानी कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जिन्हें आपको गूगल पे नहीं सर्च करना चाहिए। आम तौर पर एक जमाना होता था जब आप लोग, अगर कोई चीज नहीं पता होती थी तो अपने बुजुर्गों से पूछते थे, अपने टीचर से पूछते थे, अपने से बड़ों से पूछते थे, कहीं ना कहीं आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता था, बट उसमें देरी भी हो जाती थी। लेकिन आजकल अगर हमें कोई भी चीज नहीं पता है तो हर इंसान अपने मोबाइल के अंदर या अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम के अंदर गूगल की तरफ भागता है। और लगभग लगभग लोगों को ये लगता भी है कि आपकी सभी चीजों का सॉल्यूशन जो है वो गूगल के पास होता भी है। लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजें गूगल पे सर्च कर जाते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। हम जिंदगी भर उन चीजों के लिए पछताते रहते हैं, बट उनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आइए हम बात करते हैं कौन सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को गूगल पे कभी सर्च नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन्हें सर्च करते हैं तो हमें उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए मेरे साथ देखते हैं कौन सी वो चीजें हैं। उससे पहले मैं बता दूं, वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पज एंड फॉर द अवेयरनेस। हम इस वीडियो का बनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज है, और हम देश की जनता की, दुनिया के लोगों की अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ये 7 चीजें जो मैंने आपको डिस्कस की हैं। उन 7 चीजों को हम लेकर आएंगे, और अगर आपने उनमें से कोई भी चीज सर्च की तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़ जाए। नंबर 1, सबसे पहले, डू नॉट सर्च चाइल्ड पोर्न कंटेंट्स। दोस्तों, दुनिया के अंदर आप लोग देखते हो आजकल आपको कुछ चीजों के ऊपर, भारत के अंदर खासकर अगर हम बात करें और दुनिया के बहुत से देशों की अगर बात करेंगे, तो जो चाइल्ड पोर्न एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और देश की सुरक्षा एजेंसी हो, पुलिस जैसी एजेंसियां हो, या देश के अंदर न जाने कितनी सारे संगठन और एजेंसियां इन चीजों को ध्यान रख रही हैं कि देश के अंदर चाइल्ड, बच्चों के साथ जो गलत गतिविधियां होती हैं उनको रोका जाए। और जब भी हम लोग गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो उसके अंदर शो होता है, और जो भी एजेंसियां हैं वो आईपी एड्रेस के तहत हमारे तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों, देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो बच्चों को बचाने की जो मुहिम चली है, उनके लिए एक सबसे जरूरी चीज ये है कि आप लोग चाइल्ड पोर्न कंटेंट या इस टाइप की एक्टिविटी अपने मोबाइल के ऊपर कभी ना सर्च करें। अगर आप लोगों ने कभी इस टाइप की कोई चीजें की हैं तो हो सकता है कि आपको उससे खतरा हो, क्योंकि देश के अंदर, खासकर भारत में चाहो या दुनिया के अलग अलग देशों में चली देखिए आप लोग, न जाने कितने सारे संगठन पुलिस के हैं, एजेंसियों के हैं, वो इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो इस टाइप के काम करते हैं, और उन चीजों को पहुंचने के लिए गूगल और आपके द्वारा सर्च किए गए गूगल से आपका जो आईपी एड्रेस है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज तो ये है दोस्तों कि दुनिया के अंदर ऐसी चीजों को आप लोगों को थोड़ा सा बचना होगा, इनसे आप लोग थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखिए। दूसरी चीज जो आपको नहीं सर्च करनी चाहिए, डू नॉट सर्च वर्ड्स लाइक रोबरी, मर्डर थ्यूरीज एंड ऑल। आमतौर पर आप देखते हो, चाहे फिल्मों के माध्यम से देखिए, चाहे टीवी सीरियल के माध्यम से देखिए, चाहे किताबों और नॉवेल से देखिए, बहुत से अपराधी जो हैं वो कोई भी अपराध को अंजाम देने से पहले उसे पहले किताबों में, नॉवेल्स में, फिल्मों में देखते थे, लेकिन आजकल वो ये फार्मूला जो है वो गूगल पर सर्च करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी चीज, हालांकि जरूरी नहीं है कि आपका उद्देश्य रोबरी हो या आपका उद्देश्य मर्डर करना हो, लेकिन कुछ लोग क्यूरियोसिटी की वजह से, जानने की जिज्ञासा कुछ लोगों में हद से ज्यादा होती है, और वो चाहते हैं कि चलो हम तरीके ढूंढते हैं कि देखते हैं गूगल हमें क्या देगा। अगर हम हाउ टू रोबरी लिखेंगे तो गूगल हमें क्या दिखाएगा, हाउ टू मर्डर लिखेंगे तो गूगल हमें क्या दिखाएगा। ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, ये एक हद तक होती है, उसके बाद ये खतरनाक हो जाती है। अगर आपने ऐसी चीजें सर्च की तो आप लोग उन एजेंसियों के निशाने पे आएंगे जो एजेंसियां देश के अंदर इन क्राइम को रोकने की काम करती हैं। आपके एरिया के अंदर कोई बड़ी रोबरी होती है या कोई बड़ी मर्डर मिस्ट्री होती है, तो उसके अंदर जब आपके एरिया की लोकेशन देखी जाती है या आपके एरिया के
गूगल हो या दूसरी जो सोशल साइट्स हो, उनके आईपी एड्रेस की जो गतिविधियां देखी जाती हैं, वहां से आप लोग पकड़ में आ सकते हो। देख लो, आप लोग पिछले 4-5 सालों से, जब से आपके अंदर जो साइबर क्राइम के मुकदमे बढ़े हैं, सबसे ज्यादा लोगों की जो पकड़ है वो फेसबुक से, गूगल से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, यहाँ की गतिविधियों से होती है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखें, अगर आप लोगों को सेफ रहना है और अपने करियर में उन्नति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, बदनामी और जिल्लत से बचना है, तो ये चीजें आपको नहीं सर्च करनी चाहिए। रोबरी जैसे वर्ड, मर्डर मिस्ट्री जैसे वर्ड, ऐसे शब्दों को आप गूगल पे ना सर्च करें। अगर आप ये शौक रखते हैं तो हो सकता है कि पुलिस की दस्तक आपके दरवाजे पर कभी भी हो जाए। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हाउ टू रोबरी, इस जैसे वर्ड है, मर्डर मिस्ट्रीज, मर्डर प्लान्स, इन चीजों से थोड़ा आपको बचना है। तीसरा पॉइंट है, नेवर सर्च टेररिज्म वेपन्स बॉम्ब फॉर्मूलास एटीसी। आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है, आज की पूरी दुनिया टेररिज्म यानी आतंकवाद से ग्रस्त है। दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी टेररिज्म हमले हो जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, आतंकवाद हमले हो जाते हैं, ह्यूमन बॉम्ब आ जाते हैं, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया सदमे में है। और दुनिया के हर देश ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक बीड़ा उठा रखा है, और उस बीड़े को संभालने की जिम्मेदारी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों पर भी है और भारत जैसे आतंकवाद के भुगत भोगियों देशों के ऊपर भी है। हमारे देश में न जाने कितनी एजेंसियां, एनआईए से लेकर के कितनी सारी एजेंसियां हैं जो टेररिज्म को रोकने के लिए हिडन वर्क कर रही हैं। सरकार के इशारे पर वो सोशल साइट से लेकर के आम जनता के बीच में उनके लोग हैं, और जो हर प्रकार के एक्टिविटी पर, ऐसी एक्टिविटी पर निगरानी रखते हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा दे सकती है। तो अगर आप लोगों ने कभी भी ऐसी कोई चीज सर्च करने की कोशिश की, हो सकता है कि आप खतरे में पड़ जाएं, क्योंकि टेररिज्म जैसे शब्दों को आप सर्च करते हैं, वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं, बॉम्ब फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, हमला कैसे किया जाता है, बॉम्ब टेररिज्म अपने प्लान कैसे बनाते हैं, टेररिज्म को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, इस टाइप के अगर शब्द आप ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं आप एजेंसियों के निशाने पर हैं। हो सकता है कि आपका उद्देश्य, फिर मैं यही कहता हूं, हम सभी इस चीज को मानते हैं, हो सकता है कि आपका उद्देश्य सिर्फ ये जानना हो, आप सिर्फ ये जानना चाहते हो लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जो गूगल पे जो एक्टिविटी हुई है ना, वो एजेंसियों को समझाने में आपको न जाने कितना टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि तब तक आपकी लाइफ की तस्वीर धुंधली हो चुकी हो। ये चीजें आपको देखनी होंगी, क्योंकि आज के समय जो आज का जो वर्ड है वो डाटा का वर्ड है। डाटा, डाटा कलेक्शन जो है वो सबसे बड़ा युद्ध है, चाहे दुनिया के अमेरिका जैसे देश हो, चाहे भारत जैसे देश हो, चाइना हो या रशिया हो, हर जगह डाटा की दौड़ चली हुई है। और गूगल आपका सारा डाटा, आप देखोगे अगर आप किसी एरिया में घूमने जाते हैं, वहां पर जब दोबारा आप जाएंगे तो गूगल आपको बताएगा, किसी मॉल में आप चले गए, उस मॉल में अगर आपने कोई शॉपिंग की और दोबारा उसके आसपास गए तो आपको उस मॉल की लोकेशन गूगल बार बार दिखाता है। अगर आपने किसी साइट्स को के ऊपर कोई शॉपिंग करने की सोची, चाहे आपने शॉपिंग ना ही की हो, उस साइट के सारे लिंक आपको आपके फेसबुक के ऊपर, आपके यूट्यूब के ऊपर उसकी ऐड आना शुरू हो जाएंगी। यानी आपकी एक एक चीज को जो है वो गूगल मॉनिटर करता है। तो अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है फिर भी आपको समस्या हो जाए। तो दोस्तों ऐसी चीजों से थोड़ा बचने की कोशिश करें। गूगल में कभी ऐसे शब्द ना ढूंढे कि वट टेररिज्म किस प्रकार से होता है, क्या होता है, कहाँ ट्रेनिंग होती है, वेपन्स यानी हथियारों को कैसे बनाया जाता है, कहाँ से इनकी डीलिंग होती है, कहाँ से लोग इनको खरीदते हैं, बॉम्ब फॉर्मूला जैसी एक्टिविटी है, ह्यूमन बॉम्ब जैसी एक्टिविटी है, इनको थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। ये भी आपके लिए एक जरूरी सलाह है। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, नेवर सर्च पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए। कई बार आज के समय आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, वो ना परिपक्व होते हैं ना वो मैच्योर होते हैं, उनको मजा आता है इन चीजों में कि मैं अपना नाम डाल के देखता हूं, मैं अपना घर का एड्रेस डाल के गूगल में देखता हूं, मैं अपना ईमेल आईडी डाल के गूगल में देखता हूं, देखते हैं क्या दिखाएगा, मैं अपना मोबाइल नंबर गूगल में डाल के देखता हूं, देखते हैं क्या शो होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोग एक सेफ इंसान बनना चाहते हैं, एक जागरूक इंसान बनना चाहते हैं, तो कभी भी गूगल के अंदर आप अपने मोबाइल नंबर को, अपने खास करके बैंक अकाउंट नंबर को, अपने पैन कार्ड नंबर को, अपने आधार कार्ड नंबर को, अपनी ईमेल आईडी को, अपने घर के परमानेंट या रेजिडेंशियल एड्रेस को, इन चीजों को कभी सर्च ना करें, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होता है। जब गूगल आपकी हर चीज की इंफॉर्मेशन रख सकता है, तो देखिए अकाउंट जैसी इंफॉर्मेशन, आपके पैन कार्ड जैसी इंफॉर्मेशन, आपकी मेल आईडी जैसी इंफॉर्मेशन,
कितनी हानिकारक हो सकती हैं और कहां कहां से लोगों तक ये पहुंच सकती हैं और लोग आपको कितने प्रकार का नुकसान इससे पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने कभी मोबाइल नंबर सर्च किया हो और आपको कोई समस्या आई हो, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसका भी तो अंदाजा नहीं है ना। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब तक आपके पास कोई समस्या आए उससे आप कैसे निकलोगे, ये सर्च करने से अच्छा है कि आप उन समस्याओं में पड़ो ही ना। पांचवा रीजन है, पांचवा जो पॉइंट है वो है डू नॉट सर्च मेडिकल फॉर्मूलाज। दोस्तों आज के युग में आप देखोगे हर इंसान चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले और सस्ता मिले, और खास करके दुनिया के देशों में अगर बात करें उनमें भारत की बात करेंगे तो बड़े बड़े शहरों में मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल्स की पर्ची, एक बार डॉक्टर देखने की जो फीस लेता है वो बहुत महंगी हो चुकी है। आमतौर पर एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो 500-700 हजार रुपए आपके नॉर्मली चले जाते हैं, और हर इंसान चाहता है कि इस भागदौड़ की जिंदगी में, इस महंगाई के जमाने में उसको कुछ चीजें सस्ती मिले, वो क्यों ऐसी फीस लगाए। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बीमारियों के फार्मूलाज, आपको फीवर हुआ है, आपको कफ हुआ है, आपको कोई और घाव हुआ है, तो उन चीजों के फार्मूला हम लोग मेडिकल फार्मूला जो है वो हम गूगल पे देखने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों से बेस्ट टैबलेट फॉर दिस एंड दैट, यानी इस बीमारी के लिए अच्छी दवाई कौन सी है, इसके लिए अच्छी दवाई कौन सी है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये हम गूगल पे सर्च करते हैं। अगर गूगल पे हम सर्च करेंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, अगर गूगल हमें सारे फार्मूले बता देगा तो फिर MBBS से MD तक की पढ़ाइयां और सालों तक का एक्सपीरियंस क्या करेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपको चाहे कुछ भी हुआ भाग के डॉक्टर को जाइए, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप लोग ऐसी कोई चीज सर्च करते हैं, गूगल से लेकर के सोशल साइट्स पे आप देखोगे 60% जानकारियां फेक होती हैं, अधूरी होती हैं और असत्य टाइप होती हैं, और उनमें से आपको हर इंसान अपना अपना ज्ञान देगा, हर इंसान अपना अपना व्यू देगा, और वहां पर कौन सा व्यू आपको ठीक लगेगा कौन सा गलत लगेगा यह सबसे भयंकर है। खास करके मेडिकल फार्मूलाज के ऊपर आप लोग ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि यह सबसे खतरनाक हो सकता है। अगर 1% भी गलत हुआ तो आपकी जान जा सकती है, आपके शरीर का वो हिस्सा जा सकता है जिस शरीर के हिस्से को बचाने के लिए आपने हॉस्पिटल की बजाय गूगल को चूज किया है। तो दोस्तों ये सबसे भयंकर होता है, प्लीज ऐसी चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। आप अपने ज्ञान के लिए एक बार देख भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जान है तो जहान है, और अगर जहान है और जान है तो ही गूगल है, तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके लिए है, डू नॉट सर्च हाउ टू अबॉर्ट ए चाइल्ड। दोस्तों दुनिया के अंदर खास करके भारत में अगर देखोगे तो अबॉर्शन जैसी चीजें बहुत भयंकर हो चुकी हैं। छोटी छोटी बच्चियों के गर्भपात करवा दिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गर्भ में मार दिया जाता है। इससे भयानक और इससे निर्दयता कोई नहीं हो सकती है। ऐसे समाज में रहने पर कभी कभी शर्म महसूस होती है। तो दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है, भारत की सरकार हो या दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारें हो, वो चाहती हैं कि अबॉर्शन और गर्भपात जैसी चीजें खत्म हो जाएं, और अगर वो ये चाहती हैं, हॉस्पिटलों पर छापे लगते हैं, डॉक्टरों को हिदायत दी जाती है, पुलिस स्टेशन से लेकर के हर ऑफिस में ये शिकायतें करवाई जाती हैं कि आपको अगर ऐसा कोई काम दिखता है तो आप उसे रोकिए, और ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं गूगल से लेकर सारी के सारी साइट्स सरकार और एजेंसियों के निशाने पर बिल्कुल हैं। अगर आप कभी भी गूगल में कोई ऐसी चीज करते हैं कि हाउ टू अबॉर्ट ए चाइल्ड या अबॉर्शन एक्टिविटीज, अबॉर्शन फार्मूलाज, तो इसका मतलब आप लोग उन एजेंसियों के निशाने पर हैं, जो एजेंसियां आपको कभी भी धर सकती हैं, पकड़ सकती हैं, और जिंदगी भर आप यह समझाने में नाकामयाब रहेंगे कि आप तो ये ज्ञान के लिए कर रहे थे, अवेयरनेस के लिए कर रहे थे। भाई अवेयरनेस ज्ञान लेके करेंगे क्या, कहीं ना कहीं वही तो करेंगे ना जिसको सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। वैसे सबको पता ही तो होता है इन चीजों का, यू आर डूइंग समथिंग टू स्टॉप अबॉर्शन राइट। आप क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे अबॉर्शन को रोका जा सके तो ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसी चीजों को सर्च मत कीजिए, क्योंकि 1 सेकंड लगेगी आप लोगों तक, उन लोगों को पहुंचने में जो आप लोगों को सलाखों के नीचे 1 सेकंड में भेज देंगे। और उसके बाद डू नॉट सर्च कैंसर काजिंग फूड्स। कैंसर जैसी बीमारियों के फैलने वाले जो फूड्स होते हैं या जिन खाने की चीजों से कैंसर जैसी चीजें फैलती हैं, उन्हें भी गूगल पे सर्च ना कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मैंने भी किसी साथी की वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने चीज को बता रखा था, और ऐसे न जाने कहां से हम आप लोगों के लिए पता करते हैं, न जाने कितने साथी हमारी मदद करते हैं ऐसी चीजों को बताने में, और न जाने कितने साथियों को हम मदद करते हैं। तो इसलिए जिन्होंने हमें मदद की है चीजें बताने में, उनका हम धन्यवाद करते हैं, और जो आगे हमसे मदद लेकर आगे
इन चीजों को बताएंगे, उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। तो कभी भी ऐसी चीजें ना सर्च कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक फूड को कैंसर का कारण बताएगा तो दूसरा व्यक्ति उसको फूड के उस फूड को कैंसर का इलाज बता देगा। तो गूगल दोनों चीजों को उठा के दिखाएगा और आप खुद कंफ्यूज होंगे कि एक लिस्ट आपको उनकी बनेगी जो फूड कैंसर की वजह होती है, और एक चीज ऐसी बनेगी जो उनको बचाने का काम करते हैं, और वो चीजें हर व्यक्ति के अंदर आपको मर्ज होते हुए नजर आएंगी। तो कभी भी ऐसी चीजों को आप सर्च मत कीजिए। बहुत सी चीजें हैं जिनका आपको पता ही है कि इनसे कैंसर होता है, उनको ऑटोमेटिकली अवॉइड कीजिए, बट ऐसी चीजों को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा ये, बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग वाला मामला है। इसलिए हम लोग इसको ना ही समझें तो ठीक है, ऑटोमेटिकली किसी स्पेशलिस्ट से, किसी डॉक्टर से, किसी फार्मासिस्ट से या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसको इन चीजों का पता है, वहां से एक अच्छी लिस्ट लीजिए। बड़ी बड़ी किताबें दुनिया के अंदर वेरीफाइड हैं देश में, उनको लीजिए, उनसे पता कीजिए। गूगल के अधूरे ज्ञान पर भटकने की कोशिश मत कीजिए इन चीजों के लिए। तो ये चीजें जरूरी थी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर एक इंसान अपने 10 दोस्तों के साथ इसको शेयर करेगा तो मैं मानूंगा कि हमारी मेहनत जो वो कामयाब हुई, क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी साथी को अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की समस्या ना आए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।